साथियों, इस देश में हो क्या रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में जो देश का माहौल है, पिछले 10 दिन के अंदर 9 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और मामला गरमाया हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर कथित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया है और उनके घर के गेट को भगवे रंग से पोत दिया गया है। सीएम की जान को खतरा है, पीएम की जान को खतरा है, हजारों महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, रोड पर सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, बस में सुरक्षित नहीं है, ट्रेन में सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आदिवासी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, दलित अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, कभी मूंछों के नाम पर उनकी हत्या की जा रही है, कभी घोड़ी के नाम पर उन्हें पीटा जा रहा है, ये क्या है? इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? तो वहीं एक और खबर यह निकल कर सामने आ रही है कि वरिष्ठ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल को ही आने वाले 15-20 वर्षों में देश के लिए सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है। श्रीलंका में महंगाई सातवें आसमान पर है, बच्चों के परीक्षाओं को टाल दिया गया है, खाने के लिए भोजन नहीं है, गलियों में अंधेरा पसरा हुआ है, तमाम जो विद्युत उत्पादक यंत्र थे डीजल के अभाव में बंद कर दिए गए हैं। केवल इतना ही नहीं साथियों, श्रीलंका के साथ साथ हमारे देश में भी महंगाई चरम पर है और कांग्रेस द्वारा कल पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। आज की प्रमुख बड़ी खबरों में मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर निकल कर आई है। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह मामा ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ युवाओं और छात्रों को मामू बना दिया है। तो साथियों, आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथियों, आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबाकर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आग्रह मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। आप अगर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। साथियों, आज देश के अंदर केवल दो लोगों की जान को खतरा है, एक तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। वो क्यों हैं मैं पूरे साक्ष्य के साथ आपको बताऊंगा, मैं ये अपने मन से नहीं बता रहा हूं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जिस प्रकार से आपको ज्ञात होगा, पंजाब के फिरोजपुर में चुनाव के समय में नरेंद्र मोदी जी की रैली होनी थी, उस बात को आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं बच के जा रहा हूँ। और दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके घर पर भी कथित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला है और उनके घर की दीवार पर भगवा रंग रंग दिया है। खैर, ये हमारे देश के इतने बड़े नेता और प्रतिष्ठित आदमी हैं, इनकी खबर चर्चाओं में रहना भी जरूरी है, क्योंकि सुनने में ये भी आता है, आपने भी सुना होगा, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, सभी प्रकार के भले बुरे को ये पचा जाते हैं। तो जब भले को पचाएंगे तो अच्छी बात है, बुरे को भी पचाएंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो बुरा कर्म करते हैं उन्हें नरक मिलता है। अब चूंकि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, और न ही मैं व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी और न ही अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात उन सभी के लिए कह रहा हूँ जो राजनीति में सक्रिय हैं, क्योंकि जो बुरी चीज़ को पचाएंगे उन्हें तो नरक में जाना ही है। और इस देश के अंदर जो हजारों ऐसी खबरें दिन भर निकल कर सामने आती हैं जिनके बारे में जू तक नहीं रेंगता है, ना तो इन नेताओं के और न ही इन तमाम कॉपरेटिव मीडिया के, जो दिन भर इन नेताओं की झूठी बहसबाजी सुर्खियों में रखे रहते हैं। आपको ज्ञात होगा, राजस्थान के पाली जिले में जितेंद्र मेघवाल नाम के युवक को केवल मूंछ रखने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। धौलपुर के अंदर एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ऐसी ही तमाम घटना पूरे देश से लगातार सामने आती हैं। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात यह है कि हमारी मीडिया और हमारे नेताओं को
केवल अपनी जान का खतरा है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या अरविंद केजरीवाल के घर पर जो हमला बताया जा रहा है, क्या ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता है? क्योंकि इस प्रकार का हमला अरविंद केजरीवाल पर पहले भी हो चुका है। सरयाम उनकी रैली में उन्हें थप्पड़ मारा गया, उसका परिणाम क्या हुआ? तो साथियों आपको बता दूं कि जिस टाइम पर उस युवक ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था, उससे मिलने स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके घर पर गए, उनका स्वागत किया। और शायद मनी मन में सोचा होगा, अच्छा किया मेरी पब्लिसिटी की और मेरे को दूसरा गांधी बनाने की जरूरत की। अब ऐसे समय में जब पूरे देश में महंगाई जोरों पर है, युवा बेरोजगार हैं, छात्रों के लिए शिक्षा नहीं है, ऐसे समय में बीजेपी ये माहौल को गर्म करना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में दोनों मिले हुए हों? क्योंकि ये कई राजनीतिक गलियारों से ये खबरें निकल कर सामने आती हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है या नहीं, इस पर तो मैं पूरे तरीके से नहीं कह सकता। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन साथियों, इस शंका को थोड़ा सा मैं जरूर दूर कर सकता हूं। जी हां साथियों, 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक सलाहकार कहें या चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए काम किया। उन्हीं प्रशांत किशोर ने अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल को आने वाले 15-20 वर्षों में प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट के लिए सबसे मजबूत चेहरा बताया है। तो साथियों, सोचना आपको है कि जो व्यक्ति बीजेपी को सत्ता में पहुंचाता है, वही व्यक्ति आने वाले 15-20 वर्ष में देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए सबसे मजबूत चेहरा अरविंद केजरीवाल को बताता है, तो क्यों हम नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है? यही नहीं साथियों, इसमें दूसरा एक एंगल ये भी निकल कर सामने आ सकता है कि जिस प्रकार से गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं 2023 में, इसको देखते हुए ये प्रशांत किशोर जी ने अरविंद केजरीवाल जी को सबसे मजबूत प्रधानमंत्री का चेहरा बताया है। क्यों बताया है ये भी मैं बता दूं। सबसे बड़ा फायदा जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है और भी पार्टियां हैं, तो ऐसे प्रदेशों में, चाहे तो वो गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, बीजेपी के लिए सत्ता पाना इतना आसान बात नहीं है। जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए जो काम करने वाले हैं, जो आम आदमी पार्टी के लिए शुभ चिंतक हैं, जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को सबसे मुख्य चेहरा मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे रणनीतिकार का ये षड्यंत्र हो सकता है कि जहां पर सीधा आमने सामने की टक्कर हो बीजेपी कांग्रेस में, वहां तीसरी पार्टी को उबारा जाए, मजबूती से जनता को उनके पक्ष में किया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में कोई कठिनाई ना आए। तो साथियों, सोचना आपको है। दिन भर आप जब भी टीवी खोलेंगे, आपको पूरे दिन फालतू की खबरें दिखाई देंगी, ये हिंदू, ये मुस्लिम। अगर कुछ नहीं मिलेगा, हिंदू मुस्लिम से मन भर जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सास बहू और साजिश बता देंगे। सास बहू साजिश से मन भर जाएगा तो आपको घर बैठे बैठे आपकी 100 साल का भविष्य बता देंगे सुबह सुबह उठते हुए। उससे भी मन भर जाएगा तो आज सीधा सा नया मुद्दा तमाम टीवी चैनलों को मिल गया है, रूस यूक्रेन के युद्ध का, उसको ऐसे आनंदमय तरीके से दिखाता है, क्या होने वाला है, देखो ये होगा, आज रात को ये होगा, कल रात को ये होगा, क्या है ये? और कोई देश में आपके पास कोई न्यूज नहीं है दिखाने के लिए? ये क्यों नहीं दिखाते हो कि श्रीलंका में किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, और वो महंगाई क्यों बढ़ रही है? श्रीलंका की गलत आर्थिक नीतियों के कारण। जिस प्रकार से हमारे देश में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिना किसी मैनेजमेंट के तमाम योजनाएं लागू की, तमाम घोषणाएं की, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, 100 स्मार्ट सिटी, फलाना ढिक्का, लेकिन क्या हुआ उसका परिणाम? 2 करोड़ रोजगार अब कहाँ गया? युवाओं से कह दिया कि पकौड़े तलना भी रोजगार है, पकौड़े तलने के लिए तेल कहाँ से देंगे? ये तो बताइए, तेल भी 200 रुपये के पार पहुँच चुका है। साथियों आपको बता दूँ, श्रीलंका में हालत कितनी भयावह है। वहाँ पर खाने के लिए लाले हैं, सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है,
बिजली संयंत्र, बिजली उत्पादक संयंत्र पूरी तरीके से डीजल के अभाव में बंद कर दिए गए हैं। स्ट्रीट लाइटों को लगातार बंद किया जा रहा है, लगातार 12-12, 13-13 घंटे लाइट को कट किया जा रहा है। बच्चों की परीक्षाओं को कागज के अभाव में टाल दिया गया है। हमारे देश के हालात भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि युवा कितने बेरोजगार हैं। कभी उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, कभी राजस्थान में कर रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के घोटाले पर भी मैं बात करूँगा। तो क्या है ये? महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार है नहीं। तो आने वाला, अगर आने वाला एक साल ऐसा ही रहा, इतनी महंगाई रही, तो आने वाला भविष्य क्या होगा? अभी मेरे एक साथी हैं अंजुल बमरोलिया, तथागत लाइव चलाते हैं, उनके घर पर सुबह सुबह मतलब क्राइम ब्रांच का नाम लेकर 5-6 लोग बिना नंबर की गाड़ी से सीधे उनके घर पर आ गए। अब सोचिए, जब उन्होंने कैमरा चालू करके उनका आईडी प्रूफ पूछा तो भागने लगे। हालांकि उनकी साजिश क्या है, क्यों आए, ये अभी विचारनी है। और मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने कहा पुलिस थाने जा रहे हैं और जाँच कराई जाएगी। तो मैं इस खबर को बीच में इसलिए लाया हूँ कि मान के चलो वो फर्जी क्राइम ब्रांच के भी हैं, तो वो देश में फर्जी अधिकारी बनने की युवाओं को क्यों जरूरत पड़ रही है? ये सोचने वाली बात है। अगर आने वाले समय में यही हाल रहा तो हमारा देश भी श्रीलंका जैसे हालात देख सकता है, अगर सही से लगाम नहीं लगाए गए। व्याप हम देखिए एक बार फिर मध्य प्रदेश में, आपको याद होगा 2006 से 5 से लेकर 9-10 तक कितना बड़ा स्कैम चला, कितना बड़ा घोटाला चला, जिसमें पीएमटी के नाम पर जो प्री मेडिकल टेस्ट पहले स्टेट लेवल पर होती थी, उसमें हजारों लड़कों को पैसे के नाम पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया गया। उसमें तमाम लोग आरोपी बनाए गए, तमाम पकड़े गए। क्या हुआ? पूरा का पूरा गोरख धंधा फिर वही चल रहा है। आज व्यापम फिर उसी पड़ाव पर है। अब फिर क्या किया है? चेयरमैन बदल दिया है। चेयरमैन बदलने से क्या हो जाएगा? क्या जो परीक्षा में धांधली हुई है वो धांधली रुक जाएगी? और मालूम है साथियों, आपको बता दूं, यही नहीं, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखाए, जो पेपर लीक हुआ था वो कहाँ से हुआ? हमारे शिवराज मामा के सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की कॉलेज से ये पेपर लीक होता है। कि क्या कार्रवाई की शिवराज मामा ने, क्या कार्रवाई की? और साथियों एक और बात बता दूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित चैनल अपने आप को मानते हैं, वो इस खबर को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि जब वो इस खबर को लाएंगे तो सवाल सरकार से करना पड़ेगा। और हम भी जानते हैं, युवा भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इसमें हाथ किसका है। तो वो अपने आकाओं को नाराज नहीं करना चाहते हैं। तो साथियों, हमें देश के हालात को समझना चाहिए कि किस प्रकार की ये बंदरबांट की लड़ाई लड़ रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई हमेशा भटकाने की राजनीति करते हैं कि तुम हमसे ये कहना, हम तुमसे ये कहेंगे, हम मीडिया में दिखाई देंगे। देश की जनता को कितने सुनियोजित तरीके से गुमराह किया जा रहा है। घर पर हमला हो गया, कभी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मेरी जान बच गई, सीएम से धन्यवाद कहना। तो साथियों बता दूं, ये नौबत सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिले, युवा हक की बात नहीं करें, युवा नौकरी नहीं मांगे। हाँ साथी, एक बात और रह गई, दिल्ली के अंदर जितने भी जो कोरोना काल में वैक्सीनेशन के लिए कर्मचारी लगाए गए, वो भी आज सड़क पर धरना दे रहे हैं। करीब 5,000 लोग इसमें बताए जा रहे हैं जिनको केजरीवाल सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया है। वो भी रोज डेली आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम 6-7 दिनों से पूरे दिल्ली के अंदर। शायद ऐसी खबरों को दबाने के लिए केजरीवाल ये नौटंकी कर रहे हैं। सीएम की जान को खतरा है, पीएम की जान को खतरा है, हजारों महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, घर में सुरक्षित नहीं है, रोड पर सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, बस में सुरक्षित नहीं है, ट्रेन में सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आदिवासी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, दलित अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कभी मूंछों के नाम पर उनकी हत्या की जा रही है, कभी घोड़ी के नाम पर उन्हें पीटा जा रहा है। ये क्या है? इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? शायद ये तो अमृत पी के इस दुनिया में आए हैं, इनको कोई मारेगा पीटेगा तो उन्होंने बुरे कर्म तो किए नहीं हैं, ये सीधे स्वर्ग में जाएंगे, तो इनके मरने पर या इनके पिटने पर पश्चाताप किया जाए। और जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, हमारे केजरीवाल जैसे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे, क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स में वो अच्छे बुरे कर्म तो सभी करते हैं, और जो बुरे कर्म करेंगे तो वो नरक में जाना पड़ेगा। शायद इसीलिए इन्हें अपनी मौत से डर लगता है, मैं देश के लिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं देश के लिए जान भी नौछावर कर देंगे। तो ये दोनों बात क्यों आ रही हैं? आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के पीछे तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, और निश्चित तौर पर आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए, कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके जिम्मेदार आम जनता तो नहीं है।
आपकी सरकार है तो कानून को आपको सही तरीके से पालन करवाना चाहिए। तो साथियों, ये थी आज की प्रमुख खबरें जिनकी चर्चा करना आपके सामने जरूरी था। और इस वीडियो पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज़। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।